धुन कहां से सीखी तुमने? ये धुन? ये तो बरसों पुरानी है। इसमें एक कहानी है। किसकी? मेरे पति की, रवि वर्मा की। रवि वर्मा? हाँ, उन्हें ये धुन बहुत पसंद थी। मंत्री, प्लीज, इस धुन से तुम्हें कुछ होता है? हाँ। चलो आइंदा हम नहीं बजाएंगे। ये क्या दिख रहे हो तुम? तुम्हारे हाथ की रेखाएं। क्या लिखा है इसमें? कमाल है, इसमें तो किसी का खून लिखा है। खून? तुम इससे ली मानती? मेरा ही तो खून किया है तुमने। मैंने? मुझे दीवाना बनाकर। अब मेरी समझ में आया, मोंटी साहब को मेरे टेलीग्राम क्यों नहीं मिलते? जब आप समझ ही चुके हैं ओबराय साहब, तो बहस करने से अब कोई फायदा नहीं। तो आपने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है? आपने ठीक समझा। ओबराय का मतलब है दौलत, शोहरत, नाम। साहब, दो पल की चीजें ओबराय साहब। मैं तुम पे दावा कर दूंगा। शौक से? मैं जा रहा हूं। मैं आपको रोकूंगा नहीं। गुड बाय। कौन था ये? था मेरी किस्मत का ठेकेदार। लेकिन अब क्या होगा? इसे क्या मालूम कि मेरी असली तकदीर इस घर में है। लेकिन मोंटी, मैं तो मन इस घर में घबरा रहा है। चलो कहीं बाहर चलते हैं। क्या हुआ? आपकी गाड़ी ने जवाब दे दिया। एक मिनट, वो जो मेरी माँ है ना बम्बे में, मुझे रात को कभी गाड़ी चलाने नहीं देती, क्योंकि कभी मैं रात को लेट हो गया तो वो पूरे शहर को अपने सर पे उठा लेती हैं। वो पूरे शहर भर में टेलीफोन, वायरलेस, पुलिस में खबर। अरे, आपके रेडिएटर में तो पानी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ एक डब्बा है, मैं अभी आया। आला फिटा लेंगे। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली, मेरे पिछले जन्म की साली। बढ़ रही है। हाँ, तुम्हें माँ के बारे में कह रहा था ना, वो क्या है? अरे, सर्दी के मौसम में इतना पसीना। मंत्री, क्या हुआ? घबराई हुई हो? भूत? भूत क्या? मैंने भूत देखे। लगता है आजकल आप बहुत भूतों की कहानियां सुन रही हैं, इसलिए आपको वहम हो गया। तो वही डालेंगे विद यू, तुम्हारे साथ हूँ। मोंटी, मोंटी, वो देखो, वो गाड़ी में घुस जा रहे हैं। कहाँ घुसा? क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो ना कोई गाड़ी दिखी है ना कोई भूत। वो देखो मोंटी, वो किधर? क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल हो गई हो? वहां तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोंटी, तुमने कुछ नहीं देखा? कुछ भी नहीं है। मुझे क्या हो गया मंटी? मुझे क्या हो गया? तुम्हें आराम की जरूरत है। रानी साहिबा, आपके लिए इतनी ज्यादा गोलियां खाना अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब आपको पहले ही मना कर चुके हैं। आपके होटल की ओपनिंग पर मोंटी नहीं आ सका, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता। अगर आप असलियत जानना चाहते हैं तो खुद चलकर देख लीजिए,
मेरा सोने का पंछी आपके महल के पिंजरे में किस कदर जकड़ा हुआ है, ये सब आपकी कामनी देवी के कारनामे है। यस सर। देख रीटा, मैंने तेरे को बोला था ना उसका इसी के साथ चक्कर चल रहा है। देख कैसे हंस हंस की बातें कर रहे दोनों, मेरे से तो देखा भी नहीं जाता। तू बता क्या हो रहा है? उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया है। फिर अभी वो उतर गई है। फिर अभी वो अंदर जा रही है, जाते जाते रुक गई है। फिर मॉन्टी उसके करीब जा रहा है, अभी एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, अभी पिलर के पीछे चले गए। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा टीना, मुझे लगता है सब गड़बड़ है टीना। आपने अभी तक अपनी जिंदगी और अपने पति के बारे में कुछ नहीं बताया, हालांकि मुझे आपने प्रॉमिस तो किया था। मैं बताऊंगी लेकिन अभी नहीं। क्यों? पहले मुझे तुम पर पूरा एतबार तो हो जाए। प्यार करने वाले एतबार का सर्टिफिकेट नहीं मांगते देवी जी। मानती मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। जाने दो उसे मानती, ये दिन तो आना ही था। देखा आपने अगर मैं इस लड़की से शादी करता तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर देती लड़की। मैं जानती हूँ एक औरत और बच्ची में यही तो फर्क है। मोंटी बाबा गजब हो गया। क्या हुआ? टीना शहर छोड़कर जा रही है। क्या बकते हो? वही बकवास जो इस चिट्ठी में लिखी है। वो घर छोड़कर चली गई है, कबीर बादशाह उसको जगह जगह तलाश कर रहा है। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती कबीर चाचा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, समझना टीना मर गई। शर्म बेगैरत, लैला की भतीजी चली थी इश्क में जान गंवाने। आपको नहीं मालूम चाचा, वो रानी साहिबा के साथ कैसी कैसी बेशर्मी बातें कर रहा था। चुप बेगैरत, मैंने जिंदगी भर घास नहीं काटी। एक तो आजकल वो पहले ही परेशान है और ऊपर से तू उसे और परेशान कर रही है। किसके लिए परेशान है वो साला कमीना? अरे तेरे लिए और किसके लिए? रानी साहिबा के पास ड्रामा करने के लिए उसे मैंने भेजा था। रानी साहिबा के पास मेरा लाखों रुपया फंसा हुआ है। अब मोंटी और तेरी शादी के लिए रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरी शादी? शादी हो रही है? गुड, वेरी गुड। मेरी भी एक लड़की है, बिल्कुल टीना जैसी, यू नो। मिस्टर मोंटी, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है, वर्मा हाई स्कूल की सिल्वर जुबली फंक्शन के लिए हम एक चैरिटी शो रखना चाहते हैं। अगर आप इसमें हिस्सा ले लें तो मुझे पूरा यकीन है कि स्कूल के लिए लाखों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। टीना के स्कूल के लिए मैं कुछ करूं, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। इट इज सो नाइस ऑफ यू। वेरी गुड, यू आर ए वेरी गुड बॉय। देखो, अगर तुम्हारी नजर में कोई तुम्हारे ही जैसा एक लड़का हो तो मुझे बताना, मेरी भी एक जवान बेटी है। हम यहाँ स्कूल बोर्ड की मीटिंग के लिए आए हैं मिस्टर बैप्टिस्टा। आहिस्ता, देखिए आप आइए और गाइए और हमारी लड़कियों को भी सिखाइए। हमारी लड़कियाँ बड़ी कलाकार हैं और मेरी भी एक लड़की है। और मिसेस कामिनी देवी इस सिल्वर जुबली फंक्शन की चीफ गेस्ट होंगी और उसी वक्त रवि वर्मा मेमोरियल हॉल का उद्घाटन भी करेंगी। रवि वर्मा मेमोरियल हॉल, मैं आऊंगा इसके साथ। आई विल कम। हेलो यस, मैं मिसेस कामिनी वर्मा बोल रही हूँ। हेलो, मैं रवि वर्मा बोल रहा हूँ। रवि वर्मा? कौन रवि वर्मा? तुम्हारा पति रवि वर्मा। व्हाट नॉनसेंस, कौन बोल रहा है? नजर से ना सही, आवाज से तो पहचान उड़ा ले। मैं मोंटी बोल रहा हूँ। मोंटी? या मोंटी, क्या मजाक है? चेहरे अलग हुए तो क्या हुआ? असल में मैं रवि वर्मा ही हूँ डार्लिंग, मोंटी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पास कोई सबूत नहीं है कामिनी, कि कानून या समाज को मैं बता सकूं कि तुमने मेरा खून कैसे किया था। खून? हाँ कामिनी, खून। जब मैं रवि वर्मा था तुमने मेरा खून किया था, काली मंदिर के सामने जीप से याद कर कामिनी। शट अप, तुम्हें क्या हो गया है? मैं मोंटी बोल रहा हूँ। कौन
तुम्हारा बाप बोल रहा है। हेलो मोंटी, मोंटी तुमने अभी फोन किया था? मैंने? हाँ। कहाँ से, मैं तो यहाँ हूँ। अपने आप को ऐसे खत्म मत करो कामिनी। मोंटी मैं पागल हो जाऊंगी, एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। पागल तो आप हो ही चुकी हैं कामिनी जी। तुम? हाँ हम, सरजूडा के चमचे। कहो क्या कहना है चमचों को? सरजूडा ने तुम्हें बुलाया है इसी वक्त। किस लिए? उन्हें तुम्हारी हरकतों का अंदाजा हो चुका है। ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, डू यू अंडरस्टैंड? सरजूडा के चमचों या चमचियों की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती, समझी? Get out of here! Get out of here! Get out! Okay, चलो बड़ा। मांटी, मुझे नहीं चाहिए ये दौलत शौहरत। मैं घबरा गई हूँ इस जिंदगी से। प्लीज मुझे कहीं ले चलो, कहीं भी, लेकिन मुझे नहीं रहना इस महल में, प्लीज। ले जाऊंगा, परसों ही ले जाऊंगा, अपने घर बंबई में। लेकिन आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? मैंने वर्मा हाई स्कूल के फंक्शन में गाने का वायदा किया है। बाहर में जाए वर्मा हाई स्कूल। इतने बरसों से तुम रानी साहिबा बनकर रही हो इस महल में, हर काम इज्जत और अपने ढंग से किया जाना चाहिए। उसी फंक्शन में मैंने अपनी माँ और बहन को भी बुलवाया है। तुम्हारी इज्जत और मान देखकर मां कितनी खुश होंगी जब तुम वर्मा हाई स्कूल फंक्शन में मेरी मां को एक इज्जतदार होने वाली बहू के रूप में मिलोगी। सच? सच तो यह है कि मेरी मां ठीक हो गई है, बस दवा के साथ दूध पीगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लो फिर दूध गिरा दिया ना। देखा पिंकी, जब ये छोटा था ना इसी तरह दूध गिराता था, मैंने कभी इसको नहीं डांटा और ये अब मुझे डांट रहा है। मैं कहाँ डांट रहा हूँ माँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं अपनी प्यारी प्यारी माँ को वर्मा हाई स्कूल के फंक्शन में ले जा सकूँ। वर्मा हाई स्कूल? हाँ माँ, वर्मा हाई स्कूल हमारा स्कूल। कुछ देर बाद हम लोग उस फंक्शन में जाएंगे और तुम उस हॉल का उद्घाटन करोगी, लोग वहाँ तालियां बजाएंगे और हैरान होंगे कि मिसेस शांता प्रसाद वर्मा की क्या आन बान शान है। क्यों माँ? जीते रहो बेटा, जीते रहो। और इसके बाद हम अपने महल में जाएंगे। हाँ माँ, उसके बाद हम अपने घर में, अपने घर में। देखा माँ, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है और इस प्यार को तूने कितने साल दूर रखा। अब वो आ गया है, अब काहे को आंसू बहाती है आंखें। हाँ, शायद तेरे पाँव धोना चाहती है आंखें। जी हाँ, मोंटी, मोंटी नाम है उसका सर। सर ये चक्कर वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, ये चक्कर तो रवि वर्मा की जायदाद। ओके सर।